Hey there, it's Kushy. Welcome and welcome back to my YouTube channel. To someone who don't know me, which you obviously won't, because I'm not famous yet. But I will be someday. Which is so high. My name is Kushi Singh. I'm 50 MBS student in Georgia. In this video we'll be talking about is MBBS worth it? Yeah, yeah. Both of us will know is MBBS worth it because even I'm figuring it out. <laughs>

मतलब ऐसे ही तुम्हें पैसे नहीं मिल रहा है तुम और तुम्हारा दोस्त जो कि दूसरे फील्ड में है तुम दोनों साथ में कॉलेज एंटर कर रहे हो उसने कॉलेज कंप्लीट कर ली उसकी जॉब लग गई तब तक तुम पढ़ाई ही कर रहे हो तुम्हारा एमबीबीएस ही नहीं खत्म हुआ है डू यू इवन गेट इट फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई उसके बच्चे हो गए तब तक तुम पढ़ाई ही कर रहे हो तुम पीपी कर रहे हो बिकॉज़ इन द फील्ड ऑफ डॉक्टर्स

साथ तो तुम्हें लगेंगे जहां तुम एस्टेब्लिश कर रहे हो अपने आप को बाकी फील्ड में कैसा होता है अगर तुमने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है तुम्हें कैसे ना कैसे जॉब लग जाएगी तुम कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दोगे कुछ ना कुछ तुम्हारा हो जाएगा नहीं होगा तो तुम कुछ और जॉब कर लोग जैसे बीटेक वाले अगर बी मैकेनिकल से किया है तो दे नॉर्मली डोंट डू जॉब इन द मैकेल बी डूंगी लाइक ऐसा कुछ बट विद डॉक्टर्स लाइक एम बीबीएसाइम In जाते ही के से है और उनका ये होता है कि ओहो, तो कितना कमाते है। नहीं भाई चालीस मतलब पचास की उम्र में कमाओगे like, oh, so मतलब कमाऊ भी नहीं जिस तरह से इंडिया में आजकल डॉक्टर्स की हालत है की डॉक्टर आर गेटिंग बीट ना there is so many things that happen to doctor if you will ask a doctor they'll be like no no it's not worth it i mean why would you become doctor because there's like too much investment of time and energy like you people expect you to not even have a life of your own and it, it's like the work life there is no work-life balance and majorly india me if we'll talk about to india major working hours for doctors have a hectic. very the yeah very

रा मतलब you know, वो जो एक सुकून है यार मतलब you ओब्वियसली know, तुम किसी की हेल्प करो तुम किसी की जान बचाओ तो उसके बाद जो एक जो सुकून है वो अलग ही तरीके का है बट इट कम्स विद द लॉर्ड ऑफ चैलेंजेस एंड इफ यू आर समबड़ी हुई इज जेनविनली लाइक पैशनेट अबाउट बींग डॉक्टर कि हाँ यार मतलब डॉक्टर ही बनना है दिस इज द फील्ड फॉर मी आई कॉन्ट सी माई सेल्फ डूंग एनी थिंग डेफिनेटली दिस इज द फील फॉर यू बट इफ़ यू आर समबड़ी हुई इज

वर्क लाइफ बैलेंस इन द होल लाइफ ओके कितने बार लोगों को लगता है मतलब पूरा पी जी वी जी करने के बाद दे फील है ओ पी डी पार्ट आई डी डोंट रीली वॉन्ट टू डू द सर्जरी पार्ट एंड स्विच दे करो इन टू सम एल्स इधर दे आर टीचिंग और इधर दे आर गाइडिंग नीड एक्सपीरियंस दे आर हैविंग लाइक यू नो अदर थिंग्स लाइक दे कोलाबरेट विद दे लाइक इन कोलाबरे विद med tech companies they open like start their own apps now people becoming content creators so really talking about it being worth it or not it's a very subjective concept it depends on how much you want it and how badly you want it और वॉट आर योर इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दिस डिग्री बिकॉज तुम साढ़े पाँच साल की एम बी बी एस करोगे ठीक है अगर तुम इंडिया में हो अगर तुम अब्रॉड हो तो देट एक्सटेंस टू सेवन ईयर्स मिनिमम बिकॉज छः साल का तुम्हारा डिग्री होगा प्लस एक साल का तुम्हारा इंटर्नशिप होगा उसके बाद तुम्हें एग्जाम भी क्रैक करनी पड़ेगी पड़ेगी इंटर्नशिप करने के लिए तो सात साल के तुम्हारे वहाँ पर कहीं नहीं जा रहे हैं ठीक है और अगर इंडिया में हो तो साढ़े पाँच साल And uske baad bhi you prepare for PG entrance and then you go for PG three years and then you do all those stuff. So there is a lot of time investment, and you know, your major like your early 20s and mid 20s goes majorly into the studying, majorly into being dedicated to having a skill and working. सो चूज वाइजली जिस डोंट चूज इना रश कि भाई लोग मेरे आजू बाजू एम बी एस कर रहे हैं इसलिए मैं भी एम बी बी एस कर रहा हूँ या कर रही हूँ बिकॉज दैट इज दस सो स्टूपेट स्लिटली सो स्टूप इट कि अगर तुम प्योर प्रेशर में कर रहे हो या तुम पेरेंट्स के कहने पर कर रहे हो यू आर डूइंग इट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स आर डूइंग इट यू विल रिग्रेट मेज ओ मेजो एवरी डे विल फील लाइक वाई दफा लाइक यू विल फील लाइक यू डोंट बिलोंग एंड एवरी डे विल फील सो हार्ड एंड देर इज नो यू टर्न एक बार तुम घुस गए ना फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि फेरबडीज लाइक तुम इतना अच्छा कोर्स कर रहे हो तुम अभी से क्यों निकल रहे हो वो डोंट 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 कि एम बी बी एस के बाद छोड़ देना बट एम बी बी एस के बाद तुम कैसे ही छोड़ोगे यार एम बी बी एस के बाद लाइक लाइक इतना जब मैंने किया है इसमें इतना मेहनत किया था एटलीस्ट आई डू समथिंग विद दिस ओके तो वो हो जाता है सो चूज वाइजली डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट

so it's that yeah so being it worth it or not it's a very subjective concept kisi ke worth it hoga kisi ke worth it nahi hoga okay? that is it i hope this video made sense to you i hope i said things the way it was there in my head i hope you understood what i am trying to say like what like you know what i i'm trying to explain if you did i did my job if you didn't then i suck as uh, Person to explain you that I need to improve my communication skills obviously. Which I'm doing. Okay, I'm doing. I'm growing and glowing and learning. So yeah, that is ongoing process that is happening. Yeah, I hope this video made sense to you. If it did, make sure you like, you comment, you subscribe to the channel, and I'll see you in my next video. Till then wishing you can eat 50,000 calories a day and not get a pound. Peace. Bye.